नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झाझड़िया, इन दोनों ही स्पोर्ट्स स्टार्स ने जैवलिन को एक नई पहचान दी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि नीरज चोपड़ा को जो स्टारडम मिला वो देवेंद्र झाझड़िया को नहीं मिला। कौन है देवेंद्र झाझड़िया और क्या खास है उनमें? दोस्तों, अगर आपको ये जानना है ना, तो एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, देवेंद्र एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहां खेलों की कोई खास वैल्यू नहीं है। ये स्टेट है हरियाणा का पड़ोसी राजस्थान। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक हाथ में खो दिया था, लेकिन आज वो इस स्टेज पर हैं कि जैवलिन थ्रो में उनसे ऊपर और कोई नहीं है। हर पैरा ओलंपिक में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। उनकी वजह से ओलंपिक के पोडियम पर 2-2 बार राष्ट्रगान बज चुका है और अब तीसरी बार भी उनकी नजर गोल्ड पर है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए कि देवेंद्र की स्टोरी को पूरा देखने के बाद आप जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। इसलिए स्टोरी को आखिर तक देखना और पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। देवेंद्र झाझड़िया एक पैरा ओलंपिक एथलीट है। पैरा ओलंपिक्स गेम ओलंपिक की तरह ही खास होते हैं, लेकिन ओलंपिक से ये काफी अलग भी होते हैं। इन गेम्स के शुरू होने की कहानी काफी दिलचस्प है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। साल 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे सैनिकों को काफी चोटें आई थी। किसी के हाथ नहीं रहे, किसी के पैर कट गए, तो कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब एक डॉक्टर को ये ख्याल आया कि क्यों ना इन सारे सोल्जर्स के बीच अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन करवाए जाए, ताकि ये खुश रह सके और इन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाया जा सके। ये डॉक्टर थे सर गुडविन गुटमैन। इनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि साल 1948 में लंदन में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित करवाया गया। दोस्तों, सर गुडविन का ये आइडिया सुपर हिट रहा और इन गेम्स को बार बार ऑर्गेनाइज करवाया जाने लगा। फिर एक बार सारे हॉस्पिटल्स ने ये सोचा कि क्यों ना एक बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करवाया जाए। तो साल 1960 में रोम में एक बड़े स्केल पर ये गेम आयोजित होते हैं, जिसमें सभी देशों से फिजिकली चैलेंज लोग आते हैं और इस पूरे इवेंट को नाम दिया जाता है पैरेलल टू ओलंपिक्स, जिसे शॉर्ट में पैरा ओलंपिक्स कहा गया, जिसका मतलब था ठीक ओलंपिक्स के जैसा ही। हालांकि पैरा ओलंपिक्स के फ्लैग, निशान और मेडल ओलंपिक्स खेलों से बिल्कुल अलग होते हैं। कई सारे गेम्स भी ऐसे होते हैं जो पैरा ओलंपिक्स में तो होते हैं और ओलंपिक्स में नहीं होते। लेकिन इन गेम्स में मेडल जीतना कोई आसान काम नहीं है। ये गेम्स भी ओलंपिक की तरह काफ़ी दिलचस्प होते हैं, इसीलिए वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया की दिलचस्पी इन खेलों में बढ़ती चली गई। भारत ने साल 1968 में इस इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया था
और इस साल करीब 54 पैरा ओलंपिक एथलीट्स गए हैं, जिनमें सबकी नज़र टिकी है देवेंद्र झाझड़िया पर, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो में 2 बार गोल्ड जीत चुके हैं और हर बार वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। देवेंद्र की कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे से गांव झाझड़िया के ढाणे से। ये गांव आता है चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में। वैसे तो राजस्थान में स्पोर्ट्स पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन राजगढ़ का ये इलाका हरियाणा की बॉर्डर के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ हरियाणा का भी असर दिखता है, अब वो चाहे स्पोर्ट्स को लेकर हो या फिर कल्चर को लेकर। देवेंद्र बचपन से ही काफी नटखट थे और उनके घर वाले बताते हैं कि वो हमेशा से देवेंद्र की बदमाशियों के कारण परेशान रहते थे, लेकिन देवेंद्र की ये बदमाशियां उन पर भारी पड़ गई। हुआ यूं कि जब वो 8 साल के थे तो खेल खेल में वो एक पेड़ पर चढ़े और पेड़ पर चढ़ते ही पास के खंभे की एक हाई टेंशन लाइन ने उनके हाथ को छू लिया और जबरदस्त करंट लगने के कारण वो बेहोश हो गए और पेड़ से नीचे आ गिरे। दोस्तों, उन्हें जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा उनकी वजह से उन्हें भयानक इंजरी हुई। उनकी जान जाने से बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनका एक हाथ काटना पड़ा। ये उनके परिवार के लिए बेहद दुखद था। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो उनकी माँ उन्हें देखते ही बेहोश हो गई। देवेंद्र के भविष्य को लेकर अब हर कोई परेशान था। देवेंद्र भी गुमसुम रहने लगे थे। तब उनकी माँ ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने देवेंद्र को खेलने के लिए घर से बाहर भेजा ताकि वो आम बच्चों की तरह महसूस कर सके। अब वो पहले की तरह स्कूल जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है क्लास 10 में। उस वक्त स्कूल के टूर्नामेंट चल रहे थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीम तैयार हो रही थी। देवेंद्र को लगा कि उन्हें भी इनमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि वो खेल कौन सा खेलेंगे। इतने में उनकी नजर पड़ी उन्हीं की क्लास के दूसरे लड़कों पर जो जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जैवलिन थ्रो ही ट्राई किया जाए। लेकिन देवेंद्र के पास जैवलिन नहीं था, तो उन्होंने कहीं से एक लकड़ी ली और एक भाले की नोक का जुगाड़ किया और इन दोनों को जोड़कर उन्होंने एक जैवलिन बनाया। बताते हैं कि प्रैक्टिस के टाइम में जब उन्होंने उस जैवलिन को फेंका तो वो सबसे दूर जाकर गिरा, जिसे देखकर उनके पीटी टीचर ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया। उस कॉम्पिटिशन में देवेंद्र ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल जीता और फिर उन्हें स्टेट लेवल पर मेडल मिला। अब बस यहीं से उनका मोटिवेशन बढ़ गया। अब उन्होंने ठान तो लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि नेशनल लेवल पर खेलने के लिए ट्रेनिंग देने वाला कोई कोच उनके गांव में नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिल भी राह को ढूंढ ही लेती है। देवेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 1997 में देवेंद्र के स्कूल में स्पोर्ट्स डे के दौरान द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कोच रिपुदमन सिंह को बुलाया गया। वहां उन्होंने देवेंद्र को खेलते हुए देखा। उन्हें समझ आ गया कि देवेंद्र देश के लिए मेडल ला सकते हैं, इसलिए वो देवेंद्र को कोचिंग देना शुरू करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अब देवेंद्र जैवलिन थ्रो की भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब वक्त आता है पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैवलिन कहाँ से लाया जाए, क्योंकि दोस्तों एक जैवलिन की कीमत करीब लाखों रुपए में होती है और देवेंद्र किसान परिवार से आते थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं था। देवेंद्र ने इसके लिए राजस्थान सरकार से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसीलिए मैंने कहा कि राजस्थान में स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। पर देवेंद्र की किस्मत अच्छी थी कि 2002 में एक NRI रामस्वरूप सिंह ने देवेंद्र को 75,000 रुपए दिए ताकि वो एक जैवलिन खरीद सके। इस जैवलिन ने उन्हें उनका पहला गोल्ड मेडल दिलाया। साल 2004 के एथेंस पैरालंपिक में देवेंद्र ने अपना पहला मेडल जीता। इससे पहले सिर्फ जोगिंदर सिंह बेदी ने ही जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी 20 साल पहले। अब जैवलिन थ्रो कहने में तो आसान लगता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एक जैवलिन करीब 800 ग्राम का होता है दोस्तों, यानी कि 1 किलो से थोड़ा सा कम, और इसकी लंबाई होती है करीब 2.5 मीटर की। इसे 3 राउंड में फेंका जाता है और जिसका जैवलिन सबसे ज्यादा दूर गिरता है वो जीत जाता है। इस भारी भरकम जैवलिन को देवेंद्र ने इतना दम लगाकर फेंका ना कि ये 62.15 मीटर दूर जाकर गिरा।
और जिसके साथ ही एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। देवेंद्र स्टार बन गए, उन्हें चारों तरफ से बधाइयां मिलने लगी। लेकिन राजस्थान की उस वक्त की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं था। कहते हैं कि जब देवेंद्र पहली बार मेडल जीतकर घर आए तो ना तो राजस्थान की सरकार की तरफ से कोई उन्हें ग्रैंड वेलकम करने आया और ना ही उन्हें कोई प्राइज मनी मिली। लेकिन देवेंद्र को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, वो अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में हिस्सा लेते रहे और मेडल पर मेडल जीतते गए। उन्हें झटका तब लगा जब जैवलिन थ्रो को 2008 और 2012 के पैरा ओलंपिक से हटा दिया गया। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने उन्हें ताने दिए, गेम छोड़ने जैसी फालतू नसीहतें दी। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि अपने गोल पर फोकस करने के लिए वो रोजाना अपने जैवलिन को अपने पास रखकर सोते थे ताकि उन्हें हमेशा उनका लक्ष्य दिखता रहे। ये उनका फोकस और हार्डवर्क ही था कि किस्मत ने भी उनका साथ दिया। साल 2016 में ठीक 12 साल बाद एक बार फिर वो मौका आया जब जैवलिन थ्रो को पैरा ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया और रियो ओलंपिक्स में देवेंद्र ने अपना दूसरा गोल्ड जीतकर सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने 63.97 मीटर का थ्रो फेंका और फिर से एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मजे की बात तो ये है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पिछले पैरा ओलंपिक में उन्होंने ही बनाया था, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दो दो गोल्ड मेडल लेने के बाद भी वो रुके नहीं हैं। अब देवेंद्र 40 साल के हो चुके हैं लेकिन गेम पर उनकी एज का असर बिल्कुल नहीं दिखता। इस बार भी वो भारत की तरफ से गोल्ड मेडल के पक्के दावेदार हैं। जैवलिन थ्रो में ही इस बार भारत की तरफ से सुंदर गुज्जर और संदीप चौधरी भी हिस्सा लेंगे, यानी कि तीन तीन एथलीट्स जो हैं वो जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेने के लिए गए हैं और ये तीनों ही राजस्थान से आते हैं। इन सब की स्टोरी एक से बढ़कर एक है क्योंकि इन सब ने अपनी कमजोरियों को मात देकर अपने सपनों को जिया है, देश के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में जीत हासिल की है। इन सब की कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि देवेंद्र की ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये आपको पसंद आई हो, वाकई इंस्पायरिंग लगी हो तो याद से इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगली स्टोरी आप किसकी देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। आप मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।